अभी एक अहम खबर दें आपको गिलगित से, जहां आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने सीपैक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। मोदी हो या रॉ, सुन ले, हमारी सरहदें महफूज हैं। आर्मी चीफ ने कहा है, हम अपने दुश्मन और उनकी चालों को समझते हैं। आर्मी चीफ का मजीद कहना था, मुल्की सलामती के लिए आखिरी हद से भी आगे जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं, पूरे यकीन से कह सकता हूं सही सिमत में जा रहे हैं आर्मी चीफ ये कह रहे हैं। वो मजीद क्या कहते हैं जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल रजा खान से। फैसल रजा खान, आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ जो है, दो रोजा कॉन्फ्रेंस है सीपैक के ऊपर जो है वो गिलगित में जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने, और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद जो है वो साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाजे तौर पर जो है वो दुश्मन पर ये वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान की सरहदें जो हैं वो हर लिहाज से महफूज हैं, और इन सरहदों को हर मुमकिन तरीके से महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो हम वक्त तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मोदी हो, रॉ हो या कोई और, या दुश्मन की जो भी चालें हों, उनको हर सूरत में नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो हर सूरत जो है वो पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करने के लिए पूरी तरह जो है वो तैयार हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सी पैक है वो इंतहाई आम मंसूबा है, इस मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान और जो चीन के इलाके हैं उनको फायदा होगा बल्कि पूरे खित्ते को इससे फायदा होगा, और सी पैक की तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी अफवाज अपनी बका और सलामती से कतन गाफिल नहीं है। इस हवाले से ये तमाम तर जितने भी मकासद हैं उनको हर सूरत में जो है वो पूरा किया जाएगा। करप्शन और दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि करप्शन और दहशतगर्दी जो है वो उसका गठजोड़ है, और इस गठजोड़ को खत्म करने के लिए हर मुमकिन काविशें की जाएंगी, और मुल्की सलामती के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आखिरी हद तक जो है पाकिस्तानी फोर्सेज जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के जो मारूजी और जुग्राफियाई हालात हैं उस पर आर्मी चीफ ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर जो है उनसे आगाह हैं। तमाम तर मकासद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हैं। सी पैक का मंसूबा जो है वो तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है, और इस मंसूबे को आगे बढ़ाने ये भी बताएगा कि आर्मी चीफ ने कुलभूषण यादव के हवाले से कोई बात की है। जी बिल्कुल, उन्होंने जब रॉ का जिक्र किया तो उनका ये कहना था कि कुलभूषण यादव की सूरत में जो है वो एक ऐसी जो है वो कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। इससे कबल बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में जो है वो भारत की मदाखलत के हवाले से जो है वो बातचीत की जाती रही है, लेकिन उसके अलावा जो है जब कुलभूषण यादव रॉ का एजेंट जो है वो सर्विंग कमांडर जो है वो नेवी का कमांडर जो है उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद बहुत सारे क्लूज मिले जिसके बाद जो है उसके पूरे नेटवर्क को न सिर्फ जो है वो तोड़ा गया बल्कि उसके बहुत से अहम मुहरकात, बहुत से अहम दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार भी हुए, रॉ के एजेंट गिरफ्तार हुए, जिसके बाद बहुत सी कामयाबियां जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेज को हासिल हुई हैं। और ऑपरेशन फैसल, हमने 15 अगस्त को देखा था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब नई दिल्ली में तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने बलूचिस्तान का खुसूसी तौर पर जिक्र किया था और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया था। तो आज जो जनरल राहिल शरीफ ने ये तकरीर की है, ये उसी तकरीर का रद्देअमल हम कहेंगे जिसमें वो कहते हैं कि हम अपनी मुल्की सलामती के लिए आखिरी हद तक जाएंगे? ये बुनियादी तौर पर जो है जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पे जो तकरीर की थी जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान और खास तौर पे जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया था, और दबे अल्फाज में उन्होंने सी पैक पाकिस्तान और चीन के हवाले से भी जिक्र किया था। उसके बाद जो है आर्मी चीफ की ये जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस हवाले से जो है वो आर्मी चीफ ने आज बिल्कुल वाजे कर दिया है, जब उन्होंने मोदी का नाम लिया है, जब उन्होंने रॉ का नाम लिया है, तो उन्होंने वाजे कर दिया है कि भारत की कोई भी चाल जो है, चाहे वो बलूचिस्तान की तरक्की के आड़े आएगी, सी पैक के आड़े आएगी, या वो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के आड़े आएगी, उसको हर काम बना दिया जाएगा। और खास तौर पे जो है वो सरहदों की हिफाजत के लिए और अफगानिस्तान और दीगर इलाकों से जो भारत की मदाखलत है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उनको रोकने की, उनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तानी अफवाज जो है वो न सिर्फ अपने जो मकासद हैं उनको हर सूरत में जो है वो हासिल करेंगी बल्कि ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म की सूरत में जो कामयाबियां हासिल हुई हैं उनको जो है वो कंसोलिडेट किया जाएगा ताकि फाटा की तरक्की जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने वाजे किया कि खास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, और आखिरी हद तक जो है वो जाने का मतलब ये है। बहुत शुक्रिया फैसल रजा आपका हमें सिलसिले में अपडेट करने के लिए। खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।